स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल में। तो परसों हमने वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ स्टॉक्स बेसिकली हमने एनालिसिस शेयर की थी। उसमें से एक स्टॉक था रेन होल्डिंग, इसमें एक टाइम पर एक्शन आया था लेकिन स्टॉक फिर बैठ गया, लेकिन अभी भी CTC के आसपास है, मतलब मुश्किल से 13-14 रुपये नीचे है एंट्री प्राइस से। कोई इतनी दिक्कत नहीं, इसको मैं होल्ड करूँगा जब तक इसमें SLA टारगेट ना चला जाए, ठीक है। इसके अलावा रूबी मिल्स इसमें एंट्री बनी नहीं। मोक्ष ऑर्नामेंट, ये स्टॉक बेसिकली इसकी एनालिसिस मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, ठीक है। टेक्निकल इसका काफ़ी सॉलिड दिख रहा था, 22.05 रुपये के आसपास मेरी एंट्री थी। उसके बाद देखेंगे स्टॉक लगातार परफॉर्म किया, 10% ऊपर गया है। कल अगर ये स्टॉक 3% ऊपर खुलता है 9:08 पर मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि होता क्या ना, अगर ये स्टॉक 5% ऊपर खुल गया तो सबसे अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, 6% ऊपर खुल गया तो और भी अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर क्योंकि होता क्या है ना, अगर ये स्टॉक 6% ऊपर खुलता है तो उसके बाद ऊपर ओपन होने के बाद सीधा प्रेशर आने लगता है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। या ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाए फिर एकदम से ऊपर चला जाए, लेकिन हम लोग को अपने प्रॉफिट को लॉक करना है, क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आता है ना तो CTC पे मतलब बहुत दूर है CTC, तो क्यों ना कुछ प्रॉफिट लिया जाए। और यहाँ पर एक तरफा स्टॉक देखिए चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे एक तरफा एक नीचे से चला हुआ है, और सप्लाई एरिया भी आने वाला है, 26-27 का रीजन है सप्लाई एरिया। तो लंबे टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जब तक स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास बेस नहीं बनाता तब तक, और ऑल टाइम हाई बहुत दूर है। आप देखो यहाँ पे 60 के आसपास एक टाइम पे स्टॉक था, तो बेसिकली कल मैं इसमें 9:08 पे बुक करूँगा। मुंजाल ऑटो, इसमें थोड़ा सा पुल बैक चाहिए, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, 1700 के ऊपर इसमें एक्शन आ सकता है। इसके अलावा नीरज, ये स्टॉक में 54.50 रुपये एक्शन आ सकता है, लेकिन इसमें रिस्क मेरा 0.25 R रहेगा, उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। की लेवल इसमें कितना है, 54.50, इसके ऊपर जाएगा तभी मैं इसमें एंट्री लूँगा 0.25 R के साथ। अगला स्टॉक देखते हैं एक्सेल इंडस्ट्रीज़। देखिए इस स्टॉक के बारे में भी मैंने टेलीग्राम पर बताया था, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम पर जो है आप लोग ज्वाइन हो जाओ, ताकि एनालिसिस जो भी मैं शेयर करता हूँ वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1735 तक स्टॉक को जाना तो चाहिए, और 1:2.85 है यहाँ पे। देखिए मेरा अब इसमें थोड़ा सा तरीका जो है थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक मेरा कुछ पार्शियल मैं बुकिंग करूँगा, उसके बाद जो है ट्रेलिंग करेंगे, क्योंकि होता क्या ना स्टॉक चला जाता 20-25-30% ऊपर, GK वायर मैंने देखा, तो इस वजह से मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा हो लेकिन उसको छोटे ही टारगेट में लेके निकले, वो काफ़ी अच्छा मतलब नहीं है। प्रॉफिट बड़ा बनाना है तो उसके लिए हमको पहले तो इनिशियल गेन जो मिला उसको कैच करना होगा, ठीक है। जब आपका कुछ प्रॉफिट हो चुका होता है तो आप उसको आराम से ट्रेल भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी नहीं आएगा और उसको होल्ड भी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा 50% और रिमेनिंग क्वान्टिटी को मैं होल्ड करूँगा। लुमैक्स के को देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा हो चुका है, इसमें SL अभी गया नहीं है, मेरा SL इसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल पे है, इसमें एक्शन आना चाहिए बहुत जल्दी, ठीक है। 3000 पे अगर निकलता है तो बहुत अच्छा इसमें एक्शन आ सकता है। और उसके अलावा देखते हैं ये स्टॉक भी ठीक है, इसके अलावा देखेंगे शॉपर स्टॉप, ये अच्छा कुछ कर सकता है 830 के ऊपर, इसमें भी एक्शन आ सकता है, लेकिन बेस्ट नहीं है क्योंकि मतलब यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, उसके बाद फिर सप्लाई भी आ जाएगी, ये दिक्कत है। इसके अलावा देखेंगे लाइका लैब में एंट्री हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। तो उसके बाद अगर देखेंगे गल्फ़ पेट्रो में भी एंटर किया था बेसिकली मैंने, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, देखते क्या होता है। उसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को होल्ड कर रहे हैं, एम्फेसिस SEPC, ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक काफ़ी बेटर है, इसमें एक्शन आना चाहिए 27.20 रुपये के आसपास मान के चलिए, एक्शन आ सकता है, ये स्टॉक चलेगा बढ़िया फिर। उसके अलावा ये स्टॉक भी चला है बढ़िया। उसके अलावा देखते हैं अगला स्टॉक प्रीमियर पॉली साइंट, और अब इसको अवॉइड करना है, साइंट को अवॉइड करना है, नहीं चला तो इसको अवॉइड करना है। मैनकाइंड इसमें पहले SL जा चुका है, IIT पैरी, KPIT टेक, गोकुल एग्रो थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। SPL पेट्रो एक्शन वैसे आ सकता है, SPL पेट्रो, पनामा पेट्रो, चेवियट, गो डिजिट थोड़ा सा नीचे आ गया। उसके बाद जेनेसिस, इसमें भी एंट्री हुई थी यहाँ पे अराउंड मेरी, यहाँ पे SL रखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा देखते हैं हत्सुन, ये भी चल सकता है, लेकिन मतलब फ्रेश एंट्री के लिए सबसे बेस्ट नहीं है, और भी अच्छे स्टॉक है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। EWMBI, ICIL, ICIL भी अच्छा है लेकिन सप्लाई ऊपर है। वैशाली फार्मा, मुक्का प्रोटीन, ओसवाल ग्रीन, ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओसवाल ग्रीन टेक काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें जो एक्शन है ये 52 रुपये के आसपास एक्शन शो कर सकता है स्टॉक। BL कश्यप, और इसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक, महाराष्ट्र स्कूटर, पटेल लॉजिस्टिक, ये स्टॉक 1050 तक जाना था और चला गया आज काफ़ी ऊपर तक, इनफैक्ट गया है 1085-86 तक गया है। और स्टाइलम, स्टाइलम भी अच्छा है वैसे, लेकिन क्या बताएं कितने सारे स्टॉक बता दे, बेस्ट मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। RPEL, के फिनटेक, आइनॉक्स विंड, एक्सप्रो इंडिया, SGIL, सीएट, कैन फिन होम, GK वायर, नेक्टर लाइफ, टीवी टुडे, JK सीमेंट, जिक्री, जिक्री में तो OFS था, गवर्नमेंट ने स्टेक सेल किया, दीपक फर्टिलाइजर एंट्री के बाद नीचे आ गया, JG केमिकल इसमें बुक किया मैंने 11% के गेन पे, उसके अलावा RK फोर्ज, विमता लैब। चलिए अब कुछ नए स्टॉक देखते हैं, तो कुछ पहले वो स्टॉक देख लेते जो कल मैंने टेलीग्राम पे बताया था, कैपलिन पॉइंट, ठीक है, टेलीग्राम पे भी उसके बारे में बताया था, 1968 पे क्लोजिंग हुई है लेकिन मैंने इसको बुक कर दिया, सीक्वेंट इसमें एंट्री हुई है और बढ़िया चला स्टॉक। इसके अलावा देखते हैं रेन होल्डिंग, लुमैक्स, इनके बारे में बता ही चुका हूँ मैं आपको, सिंजीन, इसमें भी प्रॉफिट बनाया, SBC एक्सपोर्ट, ये देखिए ये स्टॉक मेरे हिसाब से अगर कल कुछ इस प्रकार से अगर एक्शन दिला दिखाता है यहाँ पे ऐसे, तो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा क्योंकि जो लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है इस सेक्टर में एक्शन है, तो ये भी चल सकता है, 280 के ऊपर इसमें एक्शन आ सकता है। आप दूसरे एग्जांपल देख लो, चाहे GP पेट्रो देखो, वो भी चला है, ठीक है। तो जो भी कंपनी ऑटो सेक्टर के लिए ऑयल बनाती है वो सारी कंपनी के स्टॉक चलते हुए देखने को मिले हैं। अब कुछ नए स्टॉक, ये स्टॉक को इंट्राडे के लिए कंसीडर कर सकते हैं, स्टॉक चल सकता है, इसमें एक्शन आ सकता है 144.65 के आसपास, की लेवल 145.65 है, 144.65, सॉरी, हाँ 144.65। एमक्योर, ये स्टॉक सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि फार्मा सेक्टर में एक्शन है, ये स्टॉक भी चल सकता है, 1435 के आसपास में एक्शन आना चाहिए, 1435 की लेवल रहेगा। नीरज सीमेंट बताई दिया इसके बारे में मैंने, ये स्टॉक भी काफ़ी ठीक लग रहा है, इसमें भी एक्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए 930 के ऊपर, देखते क्या होता है। सोना BLW, ये स्टॉक भी बढ़िया है, अगर स्टॉक 740 के ऊपर निकलता है इसमें भी एक्शन आ सकता है। और बनारी स्पिनिंग, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, 64.50 मान के चलो, 64.80 मान के चलो, इसमें इस लेवल के आसपास एक्शन आ सकता है। और एक स्टॉक ही काफ़ी रिस्की, 0.25 R के ऊपर रिस्क लेना व्यर्थ है, 0.25 से ज़्यादा रिस्क लेना व्यर्थ है, 28.60 के आसपास की लेवल है, बालकृष्ण पेपर मिल्स। और एक आखिरी ऐसा स्टॉक आज का जो सबसे बेस्ट चल सकता है यहाँ से, मतलब 200 200 रुपये भी जा सकता है बहुत जल्दी, उसका नाम है वर्थ पेरीफेरल लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करें तो 149 का की लेवल है, चल सकता है, 149 का की लेवल है बिल्कुल, इसमें एक्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट मन हो तो कर दीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं।